Good evening, students. Welcome to study from home in our class of economics, 12th standard. So, in the previous video, uh, we talked about the basic concept of economics, uh, macroeconomics, what macroeconomics is, and how macroeconomics differ than ma differ uh, to microeconomics, ma and why do we need to study macroeconom macroeconomics, and uh, what we can do after studying macroeconomics. बिफोर गोइंग फर्दर डीप इन टू द चैप्टर या फिर फर्दर डीप इंटू द बुक हमें कुछ पर्टिकुलर बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की रिक्वायरमेंट है बिकॉज ये बेसिक कॉन्सेप्ट बार बार यूज होंगे तो सबसे पहली चीज जान लेते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मैं बार बार एक चीजें नहीं बताऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है तो उसी के अकॉर्डिंग अपने पढ़ते चलें ठीक है नोट्स बनाते चलेंगे ठीक है और कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑन द रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप ठीक है एंड जो अदर स्टूडेंट्स हैं इसके अलावा एंड जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं काइंडली सेंड मी मैसेज ऑन यूट्यूब इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स सो आई कैन सेंड दम लिंक्स ठीक है kindly, uh, me so तो एक बार देख लेते हैं सबसे पहली चीज हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इन दिस वीडियो वेरी फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बिकॉज अल्टीमेटली एवरीवेयर वैन इट कम्स टू द बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी हम केवल और केवल दो टर्म के बारे में बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है जहां देखो गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पीछे पड़ा रहता है गुड्स एंड सर्विस कभी हमारा पीछे ही नहीं छोड़ता ठीक है तो सबसे पहले हम क्या स्टडी कर रहे हैं इस गुड्स एंड सर्विसेज को तो सबसे पहले तो मैं अब बाप को बता दूँ गुड्स होता क्या है गुड्स इज एवरीथिंग क्या है गुड्स गुड्स इज एवरी थिंग दैट वी कैन सी एंड टच ठीक है एंड सर्विसेज कैन ओनली बी फेल्ट यानी कि गुड्स आर टेंजिबल गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर एंड सर्विसेज आर इनटेंजल इन नेचर ठीक है अब इकोनॉमिक्स में गुड का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे किया गया है सबसे पहले जो गुड का क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्या है फाइनल गुड्स फाइनल गुड्स वो क्या है उसका क्लासिफिकेशन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है गुड का क्या है वो है आपका फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड ठीक है और उसके अलावा कंजम्पशन गुड और कंज्यूमर गुड अब फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्या है देखिए फाइनल गुड का मतलब क्या है विच हैव नॉट सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड का फाइनल गुड का मतलब वो होता है कि जो प्रोडक्शन की फाइनल स्टेज को क्रॉस कर चुकी है वो प्रोडक्शन के किसी भी स्टेज में अब यूज नहीं होगी ठीक है इंटरमीडिएट का गुड का मतलब क्या है यानी जिसने प्रोडक्शन का फाइनल बाउंड्री नहीं क्रॉस की है देखिए एक तो होंगी गुड हमारी रेडी टू यूज़ तो फाइनल गुड हमारी रेडी टू यूज़ है लेकिन इंटरमीडिएट गुड हमारी रेडी टू यूज नहीं है तो सबसे पहले चीज़ जो हमें याद रखनी है हमें डिफरें फाइनल गुड एंड कंजम्पशन गुड, गुड और कंज्यूमर गुड ठीक है अब फाइनल गुड क्या है फाइनल गुड को हम समझते हैं ठीक है यहाँ पे हम फाइनल गुड की बात कर रहे थे फाइनल गुड को हम समझते हैं फाइनल गुड्स है क्या देखिए फाइनल गुड क्या है एक बार लेट मी ग्रेट द दे स्टाइलस देखिए फाइनल गुड गुड आर दोज विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन ठीक है यानी जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी हैं उनको हम बोल रहे हैं क्या फाइनल गुड ठीक है यानी कि अब वो सीधा यूज़ के लिए तैयार हैं अब दोबारा उन्हें किसी इंडस्ट्री में किसी फर्दर प्रोडक्शन के लिए लेके नहीं जाया जाएगा एक बार दोबारा ध्यान देंगे वाटर फाइनल गुड्स फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉज फाइनल बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि वो प्रोडक्शन की फ़ाइनल बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं तो ये प्रोडक्शन की स्टेजेस होती हैं ठीक है बिगिनिंग से लेकर के एंड तक और एंड के बाद कोई भी जो प्रोडक्शन है कोई भी प्रोडक्ट है वो रेडी टू यूज होता है तो यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जो क्या हो रेडी टू यूज़ हो ठीक है वो है फाइनल तरीके से यूज़ किया जा सके और वो प्रोडक्शन के किसी और स्टेज से लौट के नहीं आएगा यानी कि कोई प्रोडक्ट आपका बना है ठीक है अब उसके बाद वो सीधा सीधा कंज्यूमर के हैंड में पहुंच रहा है यूज करने के लिए तो ये जो स्टेट है ये स्टेट है हमारे स्टेट ऑफ फाइनल गुड्स अब फाइनल गुड को भी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं एक हो गया हमारा क्या फाइनल कंज्यूमर गुड और एक हो गया हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड ठीक है अब फाइनल कंज्यूमर गुड जैसा कि नाम से क्लियर है मीन्स दोज गुड विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर टू बी यूज बाय कंज्यूमर जो कंज्यूमर अपनी यूज के लिए परचेस कर रहा है वो तो होंगे फाइनल कंज्यूमर गुड फाइनल कंज्यूमर गुड और जो प्रोड्यूसर अपने यूज के लिए ले रहा है वो हो गए क्या फाइनल प्रोड्यूसर गुड ठीक है अब जैसे मेरे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्या शुगर का ठीक है शुगर है एक फिनिश प्रोडक्ट है शुगर केन से लेकर के शुगर के कन्वर्ट कन्वर्ट होने तक ठीक है अब आपको घर में चाय के लिए चीनी चाहिए मम्मी ने आपको भेजा आप क्या कर आप क्या गए पड़ोस के भैया की दुकान पे गए चीनी ले आए ठीक है तो वो आपके लिए क्या हो गया यू दैट इज द फाइनल कंज्यूमर गुड फॉर यू लेकिन वहीं पे लेकिन वहीं पे कोई बिस्किट की फैक्ट्री या फिर जलेबी बनाने वाले ने अब चीनी का ऑर्डर दिया कि मेरी दुकान में जलेबी बननी है मुझे चीनी चाहिए तो वहां पे वो हो गई क्या हमारी फाइनल प्रोड्यूसर गुड जब उसी गुड़ को जब फाइनल गुड को परचेज करता है कंज्यूमर यूज के लिए वो होता है आपका कंज्यूमर गुड फाइनल कंज्यूमर गुड और उसी चीज को यूज किया जाता है किसके लिए प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर परचेस करता है ठीक है एज अ फिक्स एसेट एक चीज और ध्यान में रखनी है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे शोर का एग्जाम्पल नहीं आएगा ठीक है यहाँ पे एक चीज़ नहीं एक चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पे हम केवल केवल बात कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट की फिक्स्ड एसेट का मतलब हो गया प्लांट हो गया मशीनरी हो गया गाड़ियाँ हो गई लैंड हो गया ठीक है तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की बात है ठीक है तो कंपैरिजन क्या है फाइनल गुड का जो कंज्यूमर परचेस कर रहा है वो हो गई हमारी फाइनल कंज्यूमर गुड और जो फिक्स एसेट प्रोड्यूसर अब परचेज करते हैं वो हो गए हमारा क्या फाइनल प्रोड्यूसर गुड ठीक है चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अब सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था हमने स्टार्ट किया था फाइनल गुड्स से ठीक है फाइनल गुड हमने जान लिया कि फाइनल गुड क्या है अब इसके बाद हम आएंगे क्या अपने कंजम्पशन गुड पर कंजम्पशन गुड क्या होते हैं एक बार देखते हैं कंजम्पशन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स ठीक है कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स को हमने यहाँ पे अगेन चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है ड्यूरेबल गुड्स ड्यूरेबल सेमी ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल एंड नॉन material ठीक है ड्यूरेबल गुड्स क्या हैं Goods विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स यानी कि बहुत लंबे टाइम तक जो गुड्स यूज की, की जा सकती हैं उनको हम बोलते हैं क्या ड्यूरेबल गुड्स ड्यूरेबल यानी बहुत लंबा चलने वाला है ड्यूरासल होता है ना ड्यूरेबल जो चीजें चलती हैं सेमी ड्यूरेबल यानि कि जिन्हें एक साल से ज़्यादा के पीरियड में यूज़ ना किए जा सके उनको हम बोलते हैं क्या सेमी ड्यूरेबल गुड्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी कि गुड्स विच आर यूज इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन यानी कि एक बार जो यूज किए जाएं उनको हम बोलते हैं क्या नॉन नॉन ड्यूरेबल गुड्स ठीक है दो रुपए वाला पेन हो गया वो आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स का एग्जांपल है ठीक है इसके बाद दूसरी उसके बाद लास्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन वो है नॉन ड्यूरेबल नॉन मटेरियल गुड्स यानी कि नॉन टेंजिबल गुड्स यानी कि सारी की सारी सर्विसेज तो कंजम्पन गुड्स को हमने किन चार पार्ट्स में डिवाइड किया ड्यूरेबल गुड्स सेमी ड्यूरेबल गुड्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स ठीक है इसके बाद चलते हैं आगे अब कैपिटल गुड्स क्या होती हैं ठीक है देखिए फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड ठीक है कैपिटल गुड क्या होती है कैपिटल गुड देखेंगे कैपिटल गुड क्या होती है कैपिटल गुड आर फिक्स्ड असेट ऑफ प्रोड्यूसर ठीक है कैपिटल गुड क्या होती है कैपिटल गुड आर फिक्स्ड असेट टू

जो प्रोड्यूसर है उसमें किसी भी तरह का एडिशन करता है तो ये क्या होगा ये उस प्रोड्यूसर के कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ठीक है रेस्पेक्टिवली अब इसके बाद इसके बाद जो कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे हम वो कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अब सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है ठीक है एक्सपेंडिचर क्या होता है सबसे पहले एक चीज समझो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा ठीक है और गवर्नमेंट एक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गवर्नमेंट हाउस होल्ड और एनजीओ ठीक है जितना पैसा खर्च करते हैं जितना भी खर्चा होता है गवर्नमेंट हाउस होल्ड और एनजीओस का एनजीओ मतलब सही समझ रहे हैं आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है गवर्नमेंट हाउस होल्ड और एन का यानी गवर्नमेंट का हम लोगों का जनरल जो हाउस होल्ड है और एन का जितना भी खर्चा होता है वो सारा का सारा हमारा होता है ओवरऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स दैट अमाउंट ऑफ मनी यानी वो अमाउंट जो हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने पे खर्च करते हैं यानी कि अमाउंट देंट देट वी स्पेंट टू बाय कंजम्पन गुड हम कंजम्पन गुड को खरीदने पर जो अमाउंट खर्च कर रहे हैं वो होता है हमारा क्या कंजशन एक्सपेंडिचर ये देखिए कंजम्पन एक्सपेंडिचर यानी कि जो फाइनल कंज्यूमर गुड खरीदने में हम जो अपना अमाउंट खर्च कर रहे हैं वो है हमारा क्या कंजम्पन एक्सपेंडिचर ये सब हम टर्म क्यों पढ़ रहे हैं बिकॉज कैपिटल गुड कंजम्पन एक्सपेंडिचर ये सारे के सारे टर्म्स हमें ऐसे कैसे मिलेंगे इस वजह से हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज को एक बार पढ़ रहे हैं कि टर्मिनोलॉजीज हैं क्या ठीक है अब इसके बाद एक्सपेंडिचर टर्म का मतलब आपको पता है कि एक्सपेंडिचर टर्म का मतलब हुआ खर्चा ठीक है ओवरऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट और गवर्मेंट हाउस होल्ड और एनजीओ को मिला के सारा एक्सपेंडिचर अगर हम एडअप कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा ओवरऑल एक्सपेंडिचर ओवरऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट हाउस होल्ड एंड एनजीओ ठीक है जो नेक्स्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है देखिए ऊपर एक टर्म यूज किया था मैंने कैपिटल स्टॉक ठीक है कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या है ओवरऑल कैपिटल ऑफ एनी फर्म और द बिजनेस इन अ पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है इन्वेस्टमेंट सीधी सीधी भाषा में जब बी एस टी में हम पढ़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है ऑल दैट मनी दैट इज यूज टू स्टार्ट द बिजनेस बट इको की लैंग्वेज में क्या होता है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बदल जाती है कैपिटल स्टॉक यानी ओवरऑल कैपिटल स्टॉक ऑफ अ फर्म इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट अब ओवरऑल कैपिटल स्टॉक क्या है इतना खतरनाक सा नेम है इतना खतरनाक नहीं है यानी कि आपका प्लांट आपकी मशीनरी आपके एसेट्स यानी बिजनेस की जो ओवरऑल वैल्यू होती है हम उसको बोलते हैं कैपिटल स्टॉक ठीक है और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इसी कैपिटल स्टॉक में इंक्रीमेंट इसी कैपिटल स्टॉक को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट और इसी के इसी में क्या होता है इंक्रीमेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं क्या इन्वेस्टमेंट तो वॉट इज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इज द स्टॉक ऑफ कैपिटल ठीक है इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल अब क्या है चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल जब आप जब स्टॉक ऑफ कैपिटल यानी कि किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म का कैपिटल स्टॉक यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज होता है तो बनता है क्या हमारा वो तो हमारा बन होता है कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है नए पैसे का बनना अब नए पैसे का बनना कैसे बनना ठीक है यह भी मैं आपको बता दूं। नए पैसे का बनना इस तरह से बेटा कि सपोज कीजिए कि आपका कोई बिजनेस है ठीक है आप बिजनेस में एक करोड़ रुपए लगा के बैठे हैं और उस एक करोड़ रुपए को लगाने के बाद आपने कोई बिजनेस एक्टिविटी चालू की आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया अब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली उसका आउटकम तो आपको मिलेगा ठीक है अब आउटकम आपका निकल के क्या आया आपका आउटकम निकल के आया एक करोड़ दस लाख रुपए तो आपका कैपिटल स्टॉक क्या रहा आपका कैपिटल स्टॉक तो रहा आपका एक करोड़ ठीक है लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आया एक करोड़ दस लाख रुपए और जो दस लाख रुपए निकल के आया है ना वो दस लाख रुपए है आपका क्या कैपिटल फॉर्मेशन ये दस लाख रुपये जो निकल के आया है ये है आपका कैपिटल फॉर्मेशन तो यहां पर जो फॉर्मूला दे रखा है आई इज टू डेल्टा के यानी कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू क्या चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल और डेल्टा के डिफाइन कर रहा है क्या चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल अब वी आर ऑल्सो क्लासिफाइंग द इन्वेस्टमेंट इन टू पार्ट अगेन वन इज फिक्स फिक्सड इन्वेस्टमेंट एंड ऐदर वन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट यानी कि ओवरऑल वो मनी वो मनी जो कि किसी फर्म की या बिजनेस की फिक्स्ड असेट को इंक्रीज करने में खर्च की गई है वो हो गया हमारा फिक्स्ड असेट यानी कि अगर जो कैपिटल है वो कैपिटल खर्च किया जा रहा है फिक्स्ड असेट को इंक्रीज करने में तो वो हो गया हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट इन्वे, फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब यानी कि जो भी पैसा हम बिजनेस में लगा रहे हैं ना ये रिस्क नहीं है ठीक है ये रिस्क में नहीं होगा बिकॉज हम इसको बेच के पैसा हम वापस अपना उठा सकते हैं अल्टीमेटली वॉट एवर द अमाउंट वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट विल बी फिक्सड इन द फॉर्म ऑफ एसेट वेदर यू आर परचेजिंग द लैंड वेदर यू आर परचेजिंग द प्लांट वेदर यू आर परचेसिंग द मशीनरी ठीक है लेकिन वहीं इन्वेंट्री का जो इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेंट्री का मतलब सबसे पहले समझो इन्वेंट्री टर्म का मतलब क्या है वॉट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इन्वेंट्री ठीक है बाकी बात तो हम बाद में करेंगे पहले ये देख लेते हैं इन्वेंट्री टर्म का मतलब क्या होता है देखिए इन्वेंट्री टर्म का मतलब होता है स्टोर ठीक है स्टोर का मतलब आपका बिजनेस है ठीक है आपको रॉ मेटेरियल की रिक्वायरमेंट है आपको सेमी फिनिश्ड मेटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो ओवरऑल स्टोर में यानी कि जो आपका वर्किंग कैपिटल देखिए ये वी आपका हो गया फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ये आपका हो गया वर्किंग कैपिटल ठीक है यानी कि वर्किंग कैपिटल में जो आप पैसा खर्च करते हैं वो आपका हो गया क्या इन्वेंट्री इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि फिनिश्ड गुड के लिए सेमी फिनिश्ड गुड के लिए और रॉ मटेरियल के लिए ठीक है और ये हो गया क्या इन्वेंट्री स्टॉक फिनिश्ड गुड सेमी फिनिश्ड गुड एंड रॉ मटेरियल को हम बोलते हैं क्या इन्वेंट्री इन्वेंट्री स्टॉक और इन्वेंट्री स्टॉक को चेंज कर इन्वेंट्री स्टॉक को इंक्रीमेंट के लिए जो अमाउंट खर्च होता है उसी को हम बोलते हैं क्या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो एक बार और रिकॉल करूंगा व्हाट इज फिक्स फिक्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट ठीक है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मींस चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक स्टॉक क्या है स्टॉक मींस कलेक्शन कलेक्शन ऑफ गुड वेदर ऑफ फिक्स और वर्किंग एसेट्स तो इससे क्या है हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जब हम निकालेंगे तो हमारा एक फॉर्मुला आएगा उसके लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन ठीक है अब डेप्रिसिएशन टर्म में क्या है डेशन टर्म का मतलब है जो बिजनेस में छोटी मोटी टूट फूट होती है ना हम उनको बोलते हैं डेप्रिसिएशन जैसे कि छोटा मोटा वेर एंड टेर यानी कि टूट फूट एक्सीडेंटल डैमेज एक्सीडेंट से कोई डैमेज हो गया ठीक है सीन्स यानी कि कोई लॉस हो गया ठीक है कोई एक्सपेक्टेड लॉस है आने जा आ, लाने ले जाने में इतना तो लॉस होना ही होना है ठीक है तो उस तरह के लॉसेस को हम बोलते हैं क्या डेप्रिसिएशन तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे फॉर्मूला क्या जाना हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन ठीक है अब यहां एक टर्म जो स्टॉक जो यूज हुआ था अब उस स्टॉक टर्म का हम मतलब जानते हैं कि बार बार स्टॉक स्टॉक टर्म यूज कर रहे हैं कि स्टॉक टर्म का मतलब तो जाने एक बार अब दो टर्म हम यूज करेंगे बार बार स्टॉक एंड फ्लोस ठीक है स्टॉक का मतलब होता है क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सपोज़ कीजिए कि स्टॉक का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि आपका बिजनेस है और आपके वेयर हाउस में कितनी क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की बची हुई है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में यानी कि आप पे इस समय सौ बिस्किट के पैकेटों का स्टॉक है आपकी इन्वेंट्री में आपके स्टोर में सौ बिस्किट के पैकेट्स का सौ बिस्किट की पेटियों का स्टॉक पड़ा हुआ है ठीक है इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं तो स्टॉक को हम डिफाइन कैसे करेंगे क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज स्टॉक ऑफ फ्लोस क्या होता है क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम देखिए यहां तो क्या है एक पर्टिकुलर टाइम पे हम क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं ठीक है यानी कि स्टॉक मतलब कितना आपके पास है और फ्लोस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना आपका माल निकल रहा है कितना माल आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे है और कितना माल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपके यहाँ से निकल रहा है सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लोस ठीक है जो मेन मेरा डिफरेंस है वो ये है स्पेसिफाई पीरियड ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि अगर मैं बोलूं कि जनवरी एक तारीख को कितना माल आपके गोडाउन में भरा हुआ है ठीक है और वहीं जनवरी को कितना माल आपके गोडाउन से निकाला गया है कितना माल आपने सेल आउट किया गया है फ्लो का मतलब बहना स्टॉक का मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर रहना ठीक है अब इसके बाद देखते हैं हम चार सेक्टर्स के बारे में जो चार सेक्टर्स होते हैं ओवरऑल ठीक है एक किसी भी फ्री इकोनॉमी में चार सेक्टर्स होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर एन गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर ठीक है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अब बात यह है कि हर जो सेक्टर है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है ठीक है ये जो स्टॉक एंड फ्लोस की कहानी है या मनी की कहानी है ये सारे के सारे आपस में घूमते रहते हैं ठीक है और एक सेक्टर के बिना दूसरा सेक्टर नहीं चल सकता और यह किस तरीके से होगा यह हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं क्या फ्लोस के फ्लोस को हमने आगे भी पढ़ा है फ्लोस के हमने दो पार्ट दो पार्ट आगे डिवाइड क्यों हैं रियल फ्लोस एंड मनी फ्लोस इस चीज को हम आगे समझेंगे इंटरसेक्टरल फ्लोस क्या है रियल फ्लोस रियल फ्लोस क्या है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी रियल फ्लोस क्या कहता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकॉनमी ठीक है अब होता क्या है कि हम एक इकॉनमी में हमने दो सेक्टर माने क्या एक सेक्टर आपका हाउस होल्ड सेक्टर एक सेक्टर यानी प्रोडक्शन सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर का काम क्या है प्रोड्यूस करना एंड हाउस होल्ड हाउस होल्ड सेक्टर का काम क्या है जो प्रोडक्शन हुआ है ठीक है उस प्रोडक्शन को यूज करना तो हाउस होल्ड सर्विस क्या करता है हाउस होल्ड कि जो लोग अपनी सर्विसेज देते हैं हाउस होल्ड कि आप लोग हम लोग लेबर तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को देता है क्या फैक्टर सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज यानी कि लेबर लैंड ठीक है ये सब चीजें देता है क्या हाउस होल्ड सेक्टर किसको प्रोडक्शन सेक्टर को अब प्रोडक्शन सेक्टर इन फैक्टर फैक्टर सर्विसेज 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 के बदले यानी कि ऑल दो एक्ट एज द एड इन प्रोडक्शन यानी कि वो सर्विसेज जो प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है, होती हैं वो सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर दे रहा है प्रोडक्शन सेक्टर को उसके बदले में प्रोडक्शन क्या कर रहा है प्रोडक्शन सेक्टर क्या कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स अवेल करा रहा है ठीक है ये हुआ आपका रियल फ्लोज रियल फ्लोज क्या कहता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनॉमी यहां मनी की बात नहीं है ये बात ध्यान रखेंगे यहां पे केवल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है फ्लोइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनॉमी दैट इज द रियल फ्लोज मनी फ्लोज क्या है फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनॉमी फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनॉमी अब कैसे ये देखो अभी हमने बात की थी क्या कि जो हाउस होल्ड है देखिए पहले हमने बात की थी किस तरह से गुड्स घूम रहे हैं ठीक है गुड्स एंड सर्विसेज घूम रही हैं ठीक है अब बात है मनी कैसे घूम रही है देखो हमने पिछले जो साइकिल था हमने उसमें ये देखा था कि जो हाउस होल्ड प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्ट्री सर्विसेज देते हैं उसके बदले प्रोडक्शन सेक्टर गोडाविल कराते हैं तो उन गुड्स के बदले हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहे हैं उन गुड्स के बदले हाउस सेक्टर क्या कर रहे हैं वो पैसा दे रहे हैं किसको प्रोडक्शन सेक्टर को ठीक है बिना पैसा फॉर द फाइनल गुड्स वो हो गया क्या हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ठीक है अब जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन सेक्टर के पास पहुंच रहा है ठीक है उन्हीं प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोडक्शन सेक्टर उसी मनी को क्या कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को पे कर रहा है इन फॉर्म ऑफ क्या फैक्टर पेमेंट्स फैक्टर पेमेंट्स क्या हुई फैक्टर पेमेंट्स मीन पेमेंट अगेंस्ट द फैक्टर सर्विसेस फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट में जो पेमेंट जा रही है ना वो आपकी फैक्टर पेमेंट्स है फैक्टर पेमेंट जैसे लेबर को वेजेस रेंट इंटरेस्ट रेट ये आपके सब फैक्टर पेमेंट में आ गए ठीक है तो अल्टीमेटली क्या है ये साइकिल जो घूमता रहता है तो हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा रियल फ्लोज यानी कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ठीक है किस तरह से हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड प्रोडक्शन सेक्टर उनको गुड्स देते हैं तो और उसके बाद मनी कैसे फ्लो होती है गुड्स तो तरीके से फ्लो होती हैं अब मनी कैसे फ्लो होगी हाउस होल्ड सेक्टर दस कंजम्शन एक्सपेंडिचर एंड दैट एक्सपेंडिचर गोज टू द प्रोडक्शन सेक्टर ठीक है अब उसके बाद प्रोडक्शन जो हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था प्रोडक्शन सेक्टर के पास गया एंड प्रोडक्शन सेक्टर ने वो मनी क्या किया हाउस होल्ड सेक्टर को पे किया एज द फैक्टर पेमेंट यानी कि फैक्टर पेमेंट मतलब जो सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर अवेल कराते हैं उनके अगेंस्ट में पेमेंट ठीक है ये जो मनी घूम रही है ना यही होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अल्टीमेटली इसी को घुमा फिरा के हम बनाएंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अब एक बार देख लेते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या ठीक है अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या इसमें कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली हैं लेट मी हाईलाइट दोस्त यूनिवर्सल कंटिन्यू एक्टिविटी ऑफ इकॉनमी यानी कि किसी भी इकोनॉमी में कुछ एक्टिविटी यूनिवर्सल रहती हैं प्रोडक्शन जनरेशन ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंडिचर ठीक है देखो प्रोडक्शन में क्या होता है वेजेस जनरेट होती है प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन से वेज जनरेट होती है ठीक है और जब एक्सपेंडिचर के होता है यानी कि खर्चा होता है तो इससे इनकम का डिस्पोजिशन होता है यानी इनकम इस तरह से खर्च होती है अब इसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ठीक है प्रोडक्शन जनरेट इनकम प्रॉफिट वेजेस दैट फर्दर लीड्स टू एक्सपेंडिचर इसके लिए हम समझते हैं इसको बेटर तरीके से एक इस डायग्राम से ठीक है ये क्या है हमारा प्रोड्यूसर फॉर्म्स है ये हमारा हाउस होल्ड है ठीक है एक मिनट अब एक चीज समझिए ठीक है हाउस होल्ड क्या दे रहे हैं हाउस होल्ड दे रहे हैं सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज़ ठीक है हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं फैक्टर सर्विसेज क्या है आपकी देखो लैंड लेबर ठीक है एंटरप्रिनोरशिप ये आपकी फैक्ट्री सर्विसेज है तो हाउस होल्ड हेल्प कर रहे हैं प्रोड्यूसर को क्या दे रहे हैं ये फैक्ट्री सर्विसेज अब उसके बदले में ये प्रोड्यूसर uh, क्या दे रहे हैं इनको फैक्टर पेमेंट यानी कि वॉट एवर द फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड आर गिविंग टू प्रोड्यूसर फर्म्स अगेंस्ट दो सर्विसेज हाउस होल्ड आर रिसीविंग वॉट फैक्टर पेमेंट्स फॉर दैट ठीक है अब जो भी पैसा ये प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट ठीक है उसी इनकम को उन्हीं फैक्टर पेमेंट को खर्च कर रहे हैं क्या इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैं केवल और केवल पूरे मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं केवल और केवल और एक घर है और एक दुकान है एक बिजनेस है ठीक है इस घर ने क्या किया इसको सर्विसेज दी उस सर्विसेज के अगेंस्ट में उस सर्विसेज के अगेंस्ट में इस प्रोड्यूसर ने इस घर को पेमेंट किया इस पेमेंट ने उस दुकान से उस बिजनेस से जाके सामान खरीद लिया ठीक है और उसके बदले में क्या किया जो गुड्स एंड सर्विसेज की सेल थी वो यहाँ तक आ गई तो ये जो पैसा घूमता है इसी को हम बोलते हैं क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो इसके बाद देखिए कुछ आ, 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 दिस इज नॉन द परफेक्ट मॉडल ठीक है तो इसमें कुछ अलम्सन uh, होती हैं कुछ बातें है, हमको माननी पड़ती हैं तब जाके इस मॉडल को हम समझ सकते हैं कि यहां हैं मैंने बता दिया और यहां पे हाउस होल्ड अपने एंटायर इनकम को स्पेंड कर रहा है यह समझने वाली बात है ठीक है इसके बाद डोमेस्टिक इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी सो डेट देयर आर नो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट यानी कोई और सेक्टर है नहीं केवल दो सेक्टर हैं ठीक है थीके? उसमें से आपके सारे पॉइंट कवरअप हो जाते हैं ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा आपको जो फैक्टर पेमेंट ऑफ बाय फर्म्स है यानी फर्म जो फैक्टर पेमेंट कर रही है उसमें क्या होगा फैक्टर पेमेंट बाय फर्म्स माइनस वैल्यू एडिशन बाय द फर्म दस वैल्यू एडिशन इज कन्वर्टेड इन टू फैक्टर इनकम यानी कि जो वैल्यू एड हुआ है वैल्यू एडिशन जो हुआ है यानी कि जो सेल हुई है वो सेल आपकी दस करोड़ रुपए की हुई है ओवरऑल हुक् कर क्या रहे हैं ये लोग ये केवल केवल एक ही अमाउंट को घुमा रहे हैं ठीक है देखो हुआ क्या है इन्होंने दस करोड़ की सर्विसेज दी हैं दस करोड़ रुपये वापस आ गए दस करोड़ रुपए की इन्होंने एक्सपेंडिचर दे दिया दस करोड़ रुपए क्या हुआ उनके पास वो उतने के प्रोडक्ट इनको मिल गए ठीक है अल्टीमेटली ये पैसा इसी फॉर्म में पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है ठीक है आपका बेटा सपोज इसे इसका एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं ठीक है आप मुझे फीस दे रहे हैं सपोज़ कीजिए आप मुझे पाँच हजार रुपये फीस दे रहे हैं ठीक है और मैं क्या गया मैं आपके फादर की दुकान पर पहुँच के आपने जो पैसे दिए हैं उन्हीं पैसों से मैंने कोई सामान खरीद लिया फिर दोबारा से आपने मुझे फ़ीस दी मैं फिर सामान मैंने फिर सामान खरीद लिया तो मैं क्या दे रहा हूँ आपको सर्विसेज और सर्विस के चक्कर में उस उन सर्विसेज़ के एवज में मुझे क्या मिल रही है फैक्ट्री पेमेंट ठीक है मैं उस मैं उस फैक्ट्री पेमेंट से क्या ख़रीद के ला रहा हूँ गुड्स खरीद के ला रहा हूँ ठीक है मैं तो कंजन एक्सपेंडिचर कर रहा हूं तो मनी का ये जो फ्लो है ठीक है मनी का है जो सर्कुलर फ्लो है हम इसी को बोलते हैं क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इतनी सी बात थी ठीक है।, है उसके बाद टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फर्म्स इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि टोटल प्रोडक्शन क्या है टोटल प्रोडक्शन आपका टोटल एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग है हमें एजमशन की बात कर रहे हैं यहां पे क्या क्या चीजें हम एज्यूम आजु, कर रहे हैं क्या ऑब्जर्वेशन हमने देखा ठीक है यहां पे इनकम जनरेशन वैल्यू एडिशन एंड एक्सपेंडिचर सब इक्वल है ठीक है इसके बाद फायदा क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हम क्या निकाल लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मॉडल से हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन लगा सकते हैं किस तरीके किस तरीके से द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इज द सम टोटल फैक्टर ऑफ फैक्टर इनकम जो किसी भी कंट्री में फैक्टर इनकम का सम होता है ना वही होती है आपकी नेशनल इनकम जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर ठीक है ये देखो रेंट प्रॉफिट वेजेस इंटरेस्ट यानी कि हम इस मनी फ्लो को पूरी कंट्री के मनी फ्लो को आप कैलकुलेट कर लो कितना हाउस होल्ड सेक्टर कितना प्रोडक्शन सेक्टर में जा रहा है ठीक है तो आपकी कंट्री की नेशनल इनकम जो है वो निकल के आ जाएगी ठीक है इसको और दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्लोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आगे देखेंगे उसके बाद नॉलेज ऑफ इंटरसेक्ट्रल डिपेंडेंस मैंने आपको जब पहले बताया था ना कि हमें यहाँ पे एक ये भी चीज पता पड़ती है कि, कि किस तरह से एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंड रहता है ठीक है कैसे आप मुझे बता दो कि अगर मैं दोनों में से किसी भी एक सेक्टर को गायब कर दूं तो क्या इस सिचुएशन बनना पॉसिबल है आप बोलो इनको सामान कौन देगा तो इनको फैक्ट्री सर्विसेज कौन देगा लेबर कहां से लेके आएंगे इनको लैंड कौन देगा इनको लोन कौन देगा ठीक है अब अगर मान लो मैं इन, इनको गायब कर दू तो ये किसको बेचेंगे अपनी सर्विसेज इनको प्रोडक्ट कौन देगा तो अल्टीमेटली दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है और इस तरह से जितने भी सेक्टर हैं जो चार सेक्टर मैंने बताए थे कौन कौन से सेक्टर थे वो हाउस होल्ड एनजीओ गवर्नमेंट एक्सटर्नल ये सारे के सारे सेक्टर आपस में क्या होते हैं इंटर डिपेंडेंट होते हैं ठीक है इसी के साथ अपने वीडियो को मैं यही फुल स्टॉप करता हूँ ठीक है कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना नेशनल इनकम तब तक, तक के लिए स्टेड इन टू माई वीडियोज फॉर मोर कंटेंट थैंक यू स्टूडेंट्स